सब्सक्राइब कीजिए अमल सबके लिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसअत रिस्क के लिए और रिस्क में बरकत के लिए एक बेहतरीन खास मुजर्रब अमल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी को तंग दस्ती में गुजार रहा है, कहीं से खुशहाली का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया है, कमाने अगर जाता है तो काम नहीं लगता है, रोजगार की तलाश में है, रोजगार मिलता नहीं, या जितना कमाता है वो सब का सब खत्म हो जाता है, अपना खर्च सही तरीके से कर नहीं पा रहा है, बीवी बच्चे परेशान रहते हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अमल हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरानी अमल है, बेहतरीन खास अमल है, आजमाएं और फायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी, रिस्क में बरकतें हो जाएंगी, अगर काम नहीं लगता है तो काम लगने लगेगा, बेहतरीन कामयाब अमल है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अमल पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज अमल का पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये अमल आपको शुरू करना तजरे जुमे रात के दिन से, अमल शुरू करने का जो टाइम रहेगा तो दोस्तों वो हर नमाज के बाद में जो है ये अमल आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास अमल है। चलिए दोस्तों मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज अमल का पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है सूरह नस्र, आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इदा जाआ नसरुल्लाहि वल फतहु वराईतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। इस अमल की पहली शर्त है कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है, पांचों वक्त की नमाज आपको अदा करनी है, हर नमाज के बाद में जो है दोस्तों आपको उसी जगह पर बैठ जाना है, बैठने के बाद आपको जो भी दरूद शरीफ याद है वो पहले आपको 7 मरतबा आपको वो दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद शरीफ चाहे आपको कोई भी याद हो वो आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में सूरह नस्र जो है आपको जो है दोस्तों 7 यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है, फिर वही दरूद शरीफ आपको लास्ट में 7 मरतबा पढ़ना। इस तरीके से दोस्तों ये अमल आपको हर नमाज के बाद करना, जोहर के बाद भी करना है, असर के बाद भी करना है, मगरिब के बाद भी करना है, ईशा के बाद भी करना है और फजर की नमाज के बाद भी करना है। इस तरीके से इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब तबारक व ताला इस कुरानी अमल की बरकत से आपके रिज्क में बरकतें अता फरमाएगा, काम नहीं लगता है तो काम लग जाएगा, रिज्क में अगर बरकत नहीं है तो रिज्क में खूब खूब बरकतें होने लगेंगी, बेहतरीन कामयाब आजमाया हुआ अमल आएँ और फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों हमारा काम था ये वीडियो आप तक पहुंचाना, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, यही हमारे लिए आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है, दिल खोल करके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपकी परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।